आज हम बात करने जा रहे हैं वो फिलर के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। आप सब ने नाम सुना ही होगा फिलर, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्री में, डेवलप कंट्री में बहुत कॉमन जो वर्ड है और काफ़ी लोग इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं। इंडिया में लास्ट 10 साल से लोग फिलर सामने से ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये फिलर है क्या। वो नाम ही सजेस्ट करते कि फिल मीन्स कोई जगह पे फिल करने का। तो ये फिलर जो होता है कि मानो कि एजिंग के साथ हमारी स्किन थोड़ी लैक्स होती है, नीचे आती है, तो उसको लिफ्टिंग करने के सबसे पहले जो इसका FDA अप्रूव्ड जो इंडिकेशन जो होता है, एक ग्लेबरल लाइन जो होता है, ये नेजोलेबियल फोल्ड होता है, वहाँ फिलर दे सकते हैं। इसके अलावा अंडर आई में जो होलोनेस है वो इस डार्क सर्कल ज़्यादा दिखते हैं। वैसे डार्क सर्कल होते नहीं, पर वो नीचे की जो फैट होती है वो श्रिंक हो जाती है। वो जो जेनेटिक भी हो सकते हैं, किसी ने क्रश डाइटिंग किया, वेट कम किया, डिहाइड्रेशन, पानी कम पीने से कब बैग बनती है, कब फिर होलो बनता है, तो ये ठीक करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो ये फैट का जो काम होता है, जो चिक का फैट अंदर सूख जाता है, किसी को बीमारी होती है, लंबे समय क्रोनिक डेबिलिटी डिसीज होती है, HIV में होता है, तो ये थायराइड में भी होता है। तो क्या होता है कि ये स्किन जो चिक का जो पैड होता है ना, फैट वो सूख जाता है। फेस में काफ़ी फैट पैड होता है, इसमें सुपरफिशियल फैट पैड होता है, डीप फैट पैड होता है। तो कभी सुपरफिशियल फैट होता है, श्रिंक होता है, और एज के साथ 20, 30, 50, 70 में ये धीरे धीरे फैट जो श्रिंक होते हैं। जैसे हमारी एज होती है तो स्किन भी पतली होती है, मसल भी पतला होता है, फैट भी पतली होती है, श्रिंक होती है, बोन भी रीअब्सॉर्ब होता है। तो धीरे धीरे हमारा पूरा इको स्ट्रक्चर श्रिंक होता है। हम एक मकान का एग्जांपल लेते हैं तो हम पहले पिलर बनाते हैं, इसके ऊपर हम वॉल्स बनाते हैं, और इसके ऊपर हम फिर जो आर्किटेक्ट इंटीरियर जो बनाते हैं, तो बोन जो होता है ना नीचे हमारा, वो पिलर का काम करता है। जब ये श्रिंक होता है तो इसके ऊपर जो पूरी इको सिस्टम होता है वो भी श्रिंक होती है। तो इसीलिए दो टाइप का फिलर होता है, एक सुपरफिशियल होता है और थोड़ा एक डीप होता है। सुपरफिशियल होता है वो फाइन लाइन से वो ठीक करने के लिए, और डीप फिलर होता है नेजोलेबियल फोल्ड होता है, अंडर आई में भी थोड़ा डीप देते हैं, पेरिओस्टियम बोन के ऊपर फिलर देते हैं, और एक स्किन के अंदर। मानो कि जब आप स्माइल करते हैं और यहाँ जो रिंकल, कभी लोग स्माइल करते हैं तो यहाँ रिंकल्स बनता है, मसल एक्टिविटी से वो बनता है। अप टू 20 ईयर्स स्किन और मसल का स्ट्रेंथ एक जैसा आता है। धीरे धीरे एज के साथ मसल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्माइल करते हैं, च्यूइंग करते वो चबाते हैं, तो इससे के मसल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है और स्किन धीरे धीरे पतली होती है। इसीलिए जब मसल ज़्यादा एक्टिव करता है तो स्किन में रिंकल्स दिखता है यहाँ, तो तब हम मसल के ऊपर फिलर दे दें ताकि वो मसल की जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक होती है। तो इसीलिए जो डायनेमिक लाइन जब स्माइल करते और जो लाइन धीरे वो नहीं दिखती है। कभी किसी को प्रोमिनेंट फॉरहेड लाइन होती है तो इसमें भी फिलर दे सकते हैं। प्रोमिनेंट क्रॉस फिट है, वैसे यहाँ बोटॉक्स देते हैं, पर जब रेस्टिंग में भी लाइन दिखते, रेस्टिंग में जब कुछ आप एक्सप्रेशन नहीं करो तब भी जो दिखते हैं उसको रेस्टिंग लाइन बोलते हैं। जब कोई एक्सप्रेशन करो, स्माइल करो, तब जो लाइन दिखती है उसको डायनेमिक लाइन देती है। तो डायनेमिक लाइन के लिए बोटॉक्स आता है और रेस्टिंग लाइन के लिए फिलर आता है। जब हमारा नेजोलेबियल फोल्ड होता है, इसको बोलते हैं मेरियोनेट लाइन बोलते हैं, वो जगह पर फिलर आता है। फिलर तीन टाइप का होता है, वैसे उसका दो क्लासिफिकेशन होता है, एक टेम्पररी, एक सेमी परमानेंट एंड परमानेंट। तो ज़्यादातर अभी जो यूज़ होते हैं वो हाइलुरिक एसिड जो होता है उसका यूज़ होता है, वो टेम्पररी होता है। सेमी परमानेंट मीन्स जो 2 साल से 5 साल के बीच में जिसका ड्यूरेशन रहता है ये, और जो मोर देन 5 ईयर का जो ड्यूरेशन है उसको हम परमानेंट बोलते हैं। जो PMA में जो फिलर आता है, पॉलीमिथाइल मिथेक्रिलेट जो आता है, पॉलीलैक्टिक एसिड जो फिलर आता है, वो परमानेंट रहता है। तो हम परमानेंट फिलर अभी आजकल कोई नहीं करता है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो भी परमानेंट रहता है। हाइलुरोनिक एसिड का फायदा ये होता है कि अगर उसको आपको लगे कि हमें पसंद नहीं है तो 24 आवर्स में आप वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। काफ़ी सेलिब्रिटी ऐसे कि अकॉर्डिंग टू फिल्म के जो शूटिंग है ऐसा वो शेप देते हैं। अभी जो पॉपुलर जो फिलर जो लिप और नोज का फिलर बहुत पॉपुलर हुआ है, क्योंकि लिप में दो टाइप का फिलर देते हैं, एक तो अगर आपका लिप छोटा है वो बड़ा करने के लिए, दूसरा जो होता है जो लिप आपकी प्रॉपर साइज का होता है पर उसको सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए, किसी को प्राउड बनाना है, किसी को जो एंगल है वो प्रोमिनेंट करना है, किसी को नीचे का लिप को शेप देना है अकॉर्डिंगली। नोज में भी पहले राइनोप्लास्टी सर्जरी नोज ठीक होता है, अभी वो लिक्विड राइनोप्लास्टी बोलते हैं कि फिलर की वजह से आपको नोज लंबा करना है, ब्रॉड करना है, बीच में जो होलो होता है उसको शेप देना है, नोज को थोड़ा प्रोमिनेंट करना है, सब कुछ अभी हो सकता है। तो ये बोलते हैं मेडिकल राइनोप्लास्टी और नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। अभी काफ़ी क्वेश्चन है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, मीन्स कौन नहीं ले सकते। तो हम यूजुअली 18 के नीचे एज में नहीं देते,
वैसे कोई कॉन्ट्राइंडेशन नहीं है, परंतु जब पेशेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पिशोरी को पता नहीं, और वैसे कम एज में इतना लाइन नहीं बनती है। किसी किसी को जेनेटिक कोई डिफेक्ट होती है तो वो भर सकते हैं, अदरवाइज जिसको ब्लड थिनर चल रहा है और कुछ किसी को कोई ऑटोइम्यून डिजीज है तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। साइड इफेक्ट वैसे कोई परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि फिलर वैसे भी सेल्फ लिमिटिंग फिलर है, इसका 6 मंथ टू 2 ईयर का लाइफ है अलग अलग फिलर का। कोई कोई फिलर ऐसा होता है इधरों के वॉल्यूम आता है तो 2 साल रहता है, जुविडम रेस्टेलिन काफ़ी इंडिया में जो ये सब बनता है, तो इसका लाइफ होता है 6 मंथ टू 1.5 ईयर। सबसे लंबा जो इफेक्ट रहता है वो वॉल्यूम का 2 साल रहता है, बॉडी उसको डिजोल्व कर देता है। अभी उसने लिप मिल लिया और उसको सूट वैसे सूट होता है पर उसको पसंद नहीं होता है, तो इसमें हाइलुरोनिक करके एंजाइम आता है, आप इंजेक्शन दो तो 24 आवर्स में ये पिघल जाता है। दूसरा जो साइड इफेक्ट है इक्विमोसिस, कोई जगह ब्रूस बनना, किसी को के इजीली ब्रूस की टेंडेंसी होती है, और ये के प्रोसीजर थोड़ी ब्लाइंड होती है, नीचे कौन सा ब्लड वेसल्स है तो कभी कभी रप्चर होके ब्लीडिंग बनता है, पर जो भी है 7 से 8 दिन में ये क्लियर हो जाता है। तो कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन जो होता है इसके 1-2 दिन पहले कभी नहीं देना, 1 वीक का ऑलवेज टाइम रखना, क्योंकि कोई बोले कि मुझे 2 दिन के बाद इंपॉर्टेंट पार्टी है कोई फंक्शन है तो फिलर मत लेना। इससे क्या है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी मानो कि 10 में से 8 को पता ही नहीं चलेगा, अपन 2 में किसी को ब्रूइस का सबसे कॉमन है, और बाद में इन्फेक्शन का, अगर वो जगह पे इन्फेक्शन ऑलरेडी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ इन्फेक्शन होने का चांस है। और ओवर द पीरियड कोई कोई पेशेंट हमने देखा है कि 2-3 साल तक कंटिन्यूस लेने से इसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि जो फिलर अंदर डालते हैं जब वो बॉडी इसको मेल्ट करते हैं तो वहाँ कोई वैक्यूम नहीं बनता, मीन्स ऐसा नहीं कि वहाँ मिस फिलर पिघल गया तो वहाँ जगह बन गई, बॉडी सामने वो टिश्यू बनाती है, इसीलिए ऐसे कंटिन्यूस देने से क्या होता है कि टिश्यू भी साथ में बनती है, तो न्यू कोलेजोनोसिस बनाते हैं, नया वेसल्स बनाते हैं, नया इलास्टिक फाइबर बनाते हैं, वाटर लेवल बढ़ाता है। तो कहने का मीनिंग है कि कंटिन्यूस देने से रिक्वायरमेंट कम होती है, परंतु ऐसा कभी नहीं करना कि एकदम जीरो इफेक्ट हो गया, फिर फिलर के जैसे इफेक्ट डिप्लीट होने लगे तुरंत उसको रिफिल करने का टाइम आ गया। सबसे के कॉस्ट क्या है डिपेंड, कोई कोई फिलर जो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 से, वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, डॉक्टर की एक्सपर्टीज कितने साल से काम करता है, फिर फिलर की रिक्वायरमेंट, किसी को मानो कि लीप में करने तो किसी को 1 cc 2 cc 3 cc, नंबर ऑफ सीरेंज कितना इसके पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कंपनी पे, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। अभी इसमें चाइनीज फिलर भी बहुत आ गया, पर वो कभी मत लेना, क्योंकि चाइनीज फिलर में क्या होता है कि ये प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं रहती है, वो हमें कभी नहीं पता चलेगा ये अंदर डालते क्या है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आएगा कुछ लिखा नहीं होता है, कभी लोग सस्ते के चक्कर में देते हैं, परंतु ऑलवेज FDA अप्रूव्ड जो ब्रांड होती है वो इंडिया में 3-4 ब्रांड है, बोलेट्रा है, रेस्टिलिन है, एलरगन है, ये सब स्टैंडर्ड ब्रांडेड फिलर है, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और इससे क्या पोस्ट सेलिंग सपोर्ट भी मिलता है, अगर पेशेंट को कोई गड़बड़ हुआ तो वो कंपनी भी सपोर्ट करती है। तो एक्सपर्टाइज डॉक्टर की कितने समय से उसने नॉलेज, उसका ट्रेनिंग कहाँ से लिया, वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट फिलर है वो, इवन अभी तो ब्रेस्ट फिलर भी आ गया, बटक फिलर भी आ गया, इवन आपकी हाइट लंबी करने के लिए लोग पाँव में भी देते हैं या जॉइंट में भी देते हैं लुब्रिकेशन के लिए, और ये ब्रेस्ट फिलर में थोड़ा सेमी परमानेंट रहता है, कोई मानो कि किसी को ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना है परंतु अनमेरिड है तो सर्जिकल सिलिकॉन में नहीं जाना चाहती, तो वन ऑफ द ये ऑप्शन है कि वो ये फिलर से ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवा सकते। ब्राज़ील में फ्रांस में बहुत कॉमन है ये फिलर, को जिसको ये दूसरी सर्जरी नहीं करवानी तो ये कर सकते हैं। तो फिलर है वो फिल करने के साथ काफ़ी दूसरा भी काम करते हैं। अभी नया है हाइड्रेटिंग फिलर, तो किसी को स्किन ड्राई हो जाती है, बेजान स्किन हो जाती है, सेंसिटिव स्किन हो जाए, तो वो वैसे उसको हाइड्रेटिंग फिलर नाम ही बोलते हैं, पर वो एक्चुअली फिलर नहीं है, वो किसी एक फोल्ड के लिए नहीं है, वो पूरे फेस में डॉट डॉट दे देते दे। तो एक रेस्टेलिंग विटाल बोलते, बूस्टर इंजेक्शन, वोलाइट इंजेक्शन, ये सब फिलर का काम नहीं करता, जस्ट स्किन में पानी का लेवल बढ़ाता है, क्योंकि ये हाइलुरोनिक एसिड 1 बूंद 100 बूंद पानी को अटैक करता है, तो ये स्वेल होता है, स्किन एकदम सॉफ्ट सफल दे दी, और ये 1 से 1 ईयर लोग रिपीट करते हैं। तो इसका भी मेजर साइड इफेक्ट कोई नहीं है, सिर्फ वो ब्रूसिस बनते हैं और थोड़े दिन मार्क रहते हैं, 5 से 7 दिन में ये क्लियर हो जाते हैं। तो फिलर आने के बाद पूरी ट्रीटमेंट जो स्किन की है रिवोल्यूशन होगी, इसमें अब टाइटनिंग, वाइटनिंग होती है, लिफ्टिंग सब होता है। पहले इसके लिए लेजर से रिसर्फेसिंग करते हैं, पर इससे साइड इफेक्ट पिगमेंटरी चेंजेस काफ़ी आती है, पर फिलर आने के बाद पूरी ये ट्रीटमेंट चेंज होगी। और इसमें एक बड़ा फायदा है कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट के अलावा आप ले नहीं सकते, काफ़ी जनरल प्रैक्टिस जो लेजर प्रैक्टिस करते हैं, पिलिंग करते हैं, इवन पार्लर में, इवन वो जगह पे ये आप ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ अगर साइड इफेक्ट हुआ तो अगर जिसके पास नॉलेज नहीं है तो उसको टैकल नहीं करेगा।
तो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही फिलर लेने का आग्रह रखना। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हमारी टीम आपको ज़रूर से आंसर देंगी। थैंक यू वेरी मच।